चिकन मंचूरियन में जो है मैं आपको बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा जिसको हम क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे, और देन उसके बाद हम लोगों को जो है ये हमारे पास विनेगर है, और ये हम सोया सॉस ऐड करेंगे, ये ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट, और ये हमारे पास है गार्लिक की पेस्ट, और साथ में ये और हमें केचप चाहिए होगा। हमने इसमें 5 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिए हैं ऑयल के, और अब हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, और ये हमने अभी थोड़ा सा जो हमने गार्लिक ऐड कर लिया, हम इसे अच्छे तरह से जो है वो ब्राउन करेंगे। गार्लिक अब हमारा ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। गार्लिक के अंदर चिकन को ऐड कर लिया, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। चिकन को हमने 3 मिनट तक पका लिया है गार्लिक ऑयल के अंदर, अब हम इसके अंदर जो है वो अपने मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो हमने मसाले जो ऐड किए हैं इसे उसके साथ पकने देंगे अच्छी तरह। अब हम इसको 5 से 6 मिनट जो है वो मसालों के साथ ऐड करके इसको अच्छे से पकाएंगे। हमने इसको 6 से 4 मिनट जो है वो पकाया है, अब हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर के बाद हम इसको अच्छे से पकाने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम केचप ऐड करेंगे। केचप मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो स्टीम की वजह से वीडियो सही नहीं बन सकी। बस इसको पकाने के बाद हम केचप ऐड कर देंगे, देन हमारा चिकन मंचूरियन रेडी है। चिकन मंचूरियन हमने बना लिया है। एक्चुअली जब मैं केचप डाली थी तो स्टीम बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से केचप लेट था और वीडियो रेकॉर्ड नहीं कर पाई, तो हमने जो है वो सारा मसाले के बाद हमने इसमें जो है वो केचप ऐड की है। केचप को हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया इसके अंदर केचप वगैरह। अब हम चाइनीज़ बनाएंगे, तो ये हम बॉयल कर रहे हैं राइस को। अब हम एग को फ्राई कर लेते हैं राइस में ऐड करने, वेजिटेबल्स को कट करके फिर हमने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बॉयल्ड राइस के अंदर हमने पहले एग मिक्स किया था, अब हम इसके अंदर ये वेजिटेबल्स भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर बन को भी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैंने बनाया है, आप भी ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहुंच सके। शुक्रिया।